गुड मॉर्निंग बच्चों, माय सेल्फ देवेंद्र कुशवाहा। तो आज हम सेकंड क्लास जीके की यूनिट फिफ्थ का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, फन विद वर्ड्स। आप सब लोग अपनी बुक्स निकाल लीजिए, पेज नंबर 36। इसमें देखिए, फर्स्ट चैप्टर में लिखा है हाउ मेनी वर्ड्स यू कैन मेक फ्रॉम द वर्ड राइनोसोरस। क्या लिखा है? हाउ मेनी वर्ड यू कैन मेक फ्रॉम द वर्ड राइनोसोरस। राइट एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन, मतलब ये बता रहा है इसके अंदर कि इस वर्ड, ये राइनोसोरस जो वर्ड है, इससे हम कितने और वर्ड्स बना सकते हैं। कैन मेक का मतलब क्या होता है? बनाना। तो इस राइनोसोरस से हम कितने वर्ड कैन मेक फ्रॉम द वर्ड राइनोसोरस। राइट एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन, इतने मतलब जितने आप लिख सकते हैं उतने वर्ड्स लिखिए या इससे बनाइए। हाँ, तो देखिए राइनोसोरस है RHINOCEROS, ठीक है। राइनोसोरस में कितने वर्ड है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अपन को यहाँ पे कितने वर्ड्स लिखने हैं? 8 वर्ड्स लिखने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आर से। आर से कितने वर्ड्स बन सकते हैं? आर से मतलब देखिए आप, या तो बन सकता है रोज, रोज मतलब क्या होता है? गुलाब। आर से बन सकता है रेड, रेड मतलब लाल होता है ना, लाल कलर होता है रेड, रेड कलर। तो इसे लिखिए अपन, जैसे आर से लिख दीजिए आप रेड, RED, रेड। रेड मतलब क्या होता है? लाल। और भी लिखना हो तो आर से लिख दीजिए आप रोज, ROSE, रोज मतलब गुलाब। और आर से बना दीजिए आप रेस्ट, REST, रेस्ट मतलब क्या होता है? आराम करना। और बना दीजिए आप रोड, ROAD। तो अपन आर से वर्ड्स बना सकते हैं बहुत से, जो भी अपन को आर से जितने भी वर्ड्स याद हो वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद सेकंड वर्ड कौन सा है? एच। एच से अपन क्या क्या बना सकते हैं? एच से बन सकता है हेन, HEN। हेन मतलब क्या होता है? मुर्गी। इसके बाद बना दीजिए हाउस, HOUSE, हाउस मतलब क्या होता है? घर। और बना दीजिए आप एच से बना दीजिए हॉर्स, HORSE, हॉर्स मतलब क्या होता है? घोड़ा। ऐसे अपन इससे वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे एक और देखिए हेट, HAT, हेट, हेट मतलब क्या होता है? टोपी। थर्ड कौन सा है? आई। आई से क्या बना सकते हैं अपन? आइसक्रीम, ICE CREAM, आइसक्रीम बना दिया। सेकंड बना दीजिए आइस, ICE, आइस मतलब बर्फ। और थर्ड बना दीजिए इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। थर्ड देखिए, थर्ड वर्ड कौन सा अपने पास? एन है। एन से अपन क्या बना सकते हैं? नो, नो मतलब नहीं। एन से बन सकता है नेस्ट, नेस्ट मतलब घोंसला। एन से बना दीजिए आप, सोचिए कोई वर्ड आपको याद आए तो वो भी लिखिए। एन से बना दीजिए आप नोज, नोज मतलब नाक, नोज होती है ना अपने नाक, ठीक है। एन हो गया। इसके बाद आया ओ, ओ से अपन क्या बना सकते हैं? ओवल, ओवल यानी क्या होता है? उल्लू। ओ से ऑरेंज, ऑरेंज कलर होता है ना। ओ से लिखिए आउट, आउट मतलब बाहर जाना, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? सी, सी से बना दीजिए केट, CAT, केट मतलब क्या होता है? बिल्ली। CROW, क्राउ, क्राउ मतलब कौवा। इसके बाद सी से बना दीजिए आप कैच, कोट जिसे बोलते हैं, CAUGHT। सी से बना दीजिए काउ, COW, काउ मतलब गाय। और सी से और भी बन सकती है, जैसे कलर है COLOUR, कलर, ऐसे बहुत से वर्ड्स बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ई, ई से बना दीजिए एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट, एलिफेंट यानी हाथी। इसे बना दीजिए आईज, EYE, आई मतलब आंख। इसे बना दीजिए एल्बो, ELBOW, एल्बो यानी क्या होता है? हमारे कोहनी होती है। ऐसे ही अपन ई से भी बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। अपन ने आर से बनाई लिया, ओ से बनाई लिया, तो इन दोनों वर्ड्स को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। इसके बाद क्या बचा? एस, एस से बनाते, एस से बनेगा शिप, SHIP, शिप यानी जहाज होता है। एस से बनेगा क्या बना सकते हैं? और एस से स्लिप, स्लिप मतलब सोना, SLEEP, स्लिप हो गया। इसके बाद नया नया वर्ड क्या बना सकते हैं अपन?
एस से बन सकता है सी, एस ई ई सी मतलब देखना। तो ये सब वर्ड्स आपको लिखना था, इन वर्ड्स से बनाने थे अपन को, नए वर्ड्स बनाने थे। तो अपन ने आर से क्या क्या बनाया, रेड, रेड मतलब लाल, रोज मतलब गुलाब, रेस्ट मतलब आराम करना, रोड तो आप जानते ही, आर ओ ए डी रोड जो होता है। सेकंड वर्ड लिया अपन ने एच, एस से अपन ने बनाया हेन यानी मुर्गी, हाउस यानी घर, हॉर्स यानी घोड़ा, हेट यानी टोपी। इसमें थर्ड वर्ड है आई, आई से बनाया अपन ने आइसक्रीम, आइस, इंटेलिजेंट। थर्ड लिया अपन ने एन, एन से बनाया नो, नो यानी नहीं, नेस्ट मतलब घोंसला, नोज मतलब नाक। इसके बाद ओ से बनाइए ओवल, ऑरेंज आउट, ऑरेंज मतलब क्या होता है, संतरा होता है, कलर होता है ऑरेंज कलर। इसे बनाया केट, क्रो, कोट, काओ, कलर। इसके बाद बनाया एलिफेंट, आई, एल्बो, ई से बना, इससे बना है ना, आर और ओ से हम बना चुके थे, आर से ये बना हुआ है, ओ से ये बनी हुई है। इसके बाद क्या बचा, एस बचा, सिप, स्लिप, सी, ये अपन ने वर्ड्स बना लिए थे। तो इनको आप इसमें आपकी नोटबुक में, आपकी बुक में फिल कर लीजिएगा और स्कूल में आके चेक जरूर कराना। हाँ तो बच्चों अपन ने फन विद वर्ड्स तो देख लिए, सारे के सारे वर्ड्स अपन ने लिख भी लिए अच्छे से, और इन वर्ड्स को आप लर्न भी कीजिएगा, इनके स्पेलिंग्स भी आपको याद होने चाहिए, इनका मतलब भी आपको याद होना चाहिए। जो स्पेलिंग्स मैंने लिखवाई है, हॉर्स लिखवाई थी, हेट लिखवाई थी, नोज लिखवाई थी, इन सबका मतलब आपको याद होना चाहिए सभी का, और पूरे के पूरे आपके जो ये सब वर्ड्स है ये आपकी बुक में भी फिल होने चाहिए। और कहाँ पर आके चेक कराना है आपको, स्कूल में आके चेक करवाना है, ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ते हैं इसी का, सेकंड चैप्टर ऑपोजिट। ऑपोजिट यानी क्या होता है, विलोम शब्द होता है किसी वर्ड का उल्टा, वो क्या होता है, ऑपोजिट्स होते हैं। जैसे बिग है, बिग का मतलब क्या होता है, बड़ा। जैसे एलिफेंट हो, एलिफेंट बहुत बिग होता है ना, तो बिग का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। तो बिग का ऑपोजिट क्या होगा, इसमें देखिए बड़ा ऑपोजिट है, बड़े का ऑपोजिट क्या होगा, बड़े का उल्टा क्या होगा, छोटा होगा। अब छोटे का, छोटे किसका मतलब होता है, स्मॉल। स्मॉल मतलब क्या होता है, छोटा। यहाँ पर आप लिख भी लीजिए छोटा, ठीक है। बिग का मतलब क्या होता है, बड़ा, तो ये लिख भी लीजिए। तो इसको किससे मैच करेंगे अपन, इस वाले को बिग को करेंगे अपन स्मॉल से मैच, ठीक है, बिग को कर दिया स्मॉल से। इसके बाद लाइट, लाइट मतलब क्या होता है, हल्का। लाइट का मतलब क्या होता है, हल्का। जैसे आपने मोर का पंख देखा है ना, कितना लाइट होता है, बिल्कुल हल्का सा होता है। तो लाइट हल्का का, हल्के का मतलब क्या होता है, हल्का है, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑपोजिट इसका भारी। अब भारी का मतलब, भारी कौन कौन है, हेवी। हेवी मतलब क्या होता है, भारी। तो इसको कैसे मैच करेंगे अपन, लाइट को मैच करेंगे हेवी से। हैप्पी, हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश रहना, खुश होना, ठीक है, तो हैप्पी होना है, खुश। हैप्पी का ऑपोजिट क्या होगा, सैड। सैड मतलब दुखी, क्या होगा सैड का ऑपोजिट, हैप्पी का ऑपोजिट सैड। यंग, यंग का मतलब क्या होता है, जवान। जैसे अपन अपन सबके सब, हम सब लोग यंग है ना अभी, और यंग का ऑपोजिट क्या होगा फिर, ओल्ड। ओल्ड मतलब बूढ़ा, ओल्ड, ओल्ड का मतलब क्या होता है, बूढ़ा। जैसे हमारे दादा दादी होते ना, वो ओल्ड हो चुके हैं, और आपके जैसे मम्मी पापा हैं, आप लोग हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं, सबके सब क्या है, यंग है। होट, होट मतलब क्या होता है, गर्म। होट मतलब क्या होता है, गर्म। जैसे अपन चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, तो सब क्या होता है, होट होते हैं। तो होट का ऑपोजिट क्या होगा, कोल्ड। आइसक्रीम्स होती है, ये सब क्या होती है, कोल्ड होती है ना, कोल्ड मतलब ठंडा। कोल्ड का मतलब क्या होता है, ठंडा। ये स्वीट, स्वीट मतलब क्या होता है, मीठा। जैसे शहद होता है, मिठाई होती है, सब मीठे होते हैं ना, आप चॉकलेट्स वगैरह खाते हो, सब मीठे होते हैं। तो मीठे का ऑपोजिट क्या होगा, सोर। सोर मतलब खट्टा। आपने नींबू देखा होगा, ऑरेंज देखा होगा, ये सब कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। सोर मतलब क्या होता है, खट्टा, ठीक है। मीठे का ऑपोजिट क्या होगा, खट्टा। लॉन्ग, लॉन्ग मतलब क्या होता है, लंबा। लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लंबा। तो लंबे का ऑपोजिट क्या होगा, छोटा होगा। तो लॉन्ग का ऑपोजिट क्या है, शॉर्ट। शॉर्ट मतलब छोटा। ठीक है, शॉर्ट मतलब छोटा भी होता है, बोना जिसे बोलते हैं अपन। और स्मॉल का मतलब भी क्या होता है, छोटा। फैट, फैट यानी क्या होता है, मोटा। फैट मतलब क्या होता है बेटो, मोटा। तो मोटे का ऑपोजिट क्या होगा फैट का, देखिए इसमें थिन। थिन मतलब क्या होता है, पतला। तो फैट को अपन कैसे मैच करेंगे, थिन से। इसे मैच करेंगे थिन से। इसके बाद नियर, नियर मतलब क्या होता है, पास।
पास का ऑपोजिट क्या होगा? फार, फार मतलब दूर। इसके बाद ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, और अगली मतलब जो सुंदर नहीं होता है, बदसूरत जिसे बोलते हैं, गंदा दिखता है ना, बदसूरत जिसे बोलते हो आप, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। ब्यूटीफुल का ऐसे मैच करेंगे अपन अगली से। तो इन सबको भी आप ऐसे ही मैच कर लीजिएगा, और ये स्पेलिंग्स भी आप याद करते रहिएगा अच्छे से, ठीक है। बिग मतलब क्या होता है? बड़ा, तो बड़ा का उल्टा क्या होगा? छोटा। और लाइट मतलब क्या होता है? हल्का। हल्के का अपोजिट भारी। होप्पी मतलब हैप्पी मतलब खुश। खुश का अपोजिट क्या होगा? सैड होगा। यंग मतलब जवान। जवान का अपोजिट ओल्ड यानी बूढ़ा। हॉट मतलब गर्म होता है। गर्म का अपोजिट ठंडा होगा। स्वीट यानी मीठा, तो मीठे का अपोजिट खट्टा। और लॉन्ग मतलब क्या होता है? लंबा। लंबे का क्या होगा? इसका ऑपोजिट शॉर्ट यानी छोटा। फैट यानी होता है मोटा, तो थिन मतलब क्या होगा? पतला। नियर मतलब पास। फार मतलब दूर, तो नियर का ऑपोजिट क्या होगा? फार। ब्यूटीफुल होता है सुंदर, सुंदर का क्या होगा ऑपोजिट? अगली। अगली यानी बदसूरत, ठीक है, जो सुंदर ना हो। अगली का मतलब क्या होता है? जो सुंदर ना हो। तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पूरा हो चुका यूनिट 5th का। तो आप लोग इनको बुक के अंदर जरूर फिल करना और इनको याद भी करना, जैसे मैंने लिखे हैं सारे सारे आपके बुक्स के अंदर लिखे होने चाहिए और आपको याद भी होने चाहिए। और इनको आप कहाँ पे आके चेक कराओगे? स्कूल में आके चेक कराओगे, ठीक है बच्चों। ओके, हैव ए गुड डे।